वेलकम टू इजी एंड टेस्टी। आज हम लोग बनाएंगे ठंडाई। हम लोग ठंडाई का प्रीमिक्स बना के रख लेंगे। इसे एक महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं और जब भी आप चाहें इससे इंस्टेंट ठंडाई बना सकते हैं। ये ठंडाई बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 100 ग्राम मिश्री, 2 चम्मच पोस्ता दाना, 4 चम्मच सौंफ, 50 ग्राम बादाम, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच खरबूजे के बीज, 50 ग्राम अखरोट, थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ, पिसा हुआ पिस्ता और 7 से 8 इलायची ली है। अब आपको मिश्री की जगह आप चीनी भी ले सकते हैं। इसे जार में डालिए। इसमें सौंफ, काली मिर्च और इलायची डालिए और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। अब आपको इसे छान लेना है। इसे आप इस तरह से छान लीजिए जिससे एक फाइन पाउडर तैयार हो जाएगा। अब आपको पोस्ता दाना, बादाम, खरबूजे के बीज और अखरोट को भी ग्राइंड कर लेना है। इनको भी फाइन पीस लेना है। इसको पीस जाने के बाद अब आपने जो मिश्री का पाउडर बनाया है उसे इसमें ऐड करके वापस एक बार फिर से ग्राइंड कर लीजिए और इसे छान के आप स्टोर कर सकते हैं और इससे कभी भी ठंडाई बना सकते हैं। तो ठंडाई बनाते हैं। सबसे पहले 2 चम्मच पाउडर को ग्लास में ऐड करिए और इसमें थोड़ा सा ठंडा दूध ऐड करिए और इसे मिक्स करके 15 मिनट के लिए रख दीजिए। 15 मिनट के बाद इसे मिक्सर में डालिए। एक ग्लास दूध और ऐड करिए, थोड़े से आइस क्यूब डालिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये ठंडाई तैयार है। आप इसी प्रीमिक्स से पिस्ता आइसक्रीम भी बना सकते हैं। आधा किलो दूध में 4 चम्मच इस प्रीमिक्स को डाल के उसे गाढ़ा करके जमा दीजिए तो बहुत अच्छी पिस्ता आइसक्रीम भी तैयार हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक एंड शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।